नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हाजिर हूँ आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट की जानकारी को लेकर। यहाँ पर फ्रेंड एक फार्मा कंपनी, यानी कि US बेस्ड फार्मा कंपनी, यहाँ पर ITI के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छा चांस है, यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का मौका यहाँ पर ITI कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप ITI कैंडिडेट्स से जॉब सर्च करना चाहते हैं या जॉब इंटरेस्ट रखते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या प्रोसेस आपको करने हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसा ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता रहूं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो कंपनी है वो फार्मा कंपनी है, उसका प्लांट जो लोकेशन है फ्रेंड वो बवाल हरियाणा में है। और यहाँ पर ये US की कंपनी है जो कि इसका प्लांट बवाल हरियाणा में लगा हुआ है, और एक टॉप क्लास की कंपनी, काफ़ी अच्छा यहाँ पर वर्क होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप ITI कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर ITI के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है, और ITI में जो टेट होती है सर फ्रेंड PPO, उसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। वो ITI पास आउट जो सेशन मांगा गया फ्रेंड वो 2018-2019 मांगा गया है। और आपकी एज जो है मैक्सिमम 25 या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 25 तक आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी हैं ITI PPO ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपने अपनी ITI पास कर रखी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, NCVT या SCVT से, तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड इंटरव्यू होना है, वो इंटरव्यू जो होगा फ्रेंड वो कंपनी के प्लांट में ही होगा। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पर हम आपको ये 2 ईमेल ID दे रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे आपको सेंड कर देना है। जब रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आपको मैसेज या मेल या कॉल आ जाएगी। उसके बाद आपको 18 सितंबर को, या फिर अगर आगे भी इंटरव्यू होते हैं तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। फिलहाल यहाँ पर भी 18 सितंबर को इंटरव्यू होना है, उसके लिए आप पहले यहाँ पर अपना रिज्यूमे सेंड कर दें। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा तो आपके पास कॉल आ जाएगी। तो एक अच्छी कंपनी है, मैं आशा करता हूँ कि आप अभी ट्राई करेंगे और आप अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे बना लीजिएगा, ताकि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए। जो कुछ भी आपको लिखना हो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं, हॉबी और स्ट्रेंथ और क्या क्या वर्क आपने कभी कर रखा है, तो उसके बारे में आप अच्छे से डिटेल से लिख दीजिएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।